ओके तो पिछली वीडियो में हमने लास्ट चैप्टर नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। हालांकि ये भी यूनिट सेकंड के अंदर ही है, उसके दो यूनिट थे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। ये थर्ड यूनिट है, थर्ड चैप्टर है, सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा था और सेकंड यूनिट में दो चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर यानी चैप्टर नंबर सेकंड हमने पढ़ लिया। अब चैप्टर नंबर थर्ड है मोशन इन अ प्लेन, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके, अब प्लेन में जो मोशन होगा उस पर पूरा ये चैप्टर बेस्ड होगा, ठीक है, उसके बारे में। और सबसे पहला जो आपका इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। आज तक आपको इतना पता है कि क्वांटिटीज क्या होती है, वो जिनकी हम मेजरमेंट कर सके, ठीक है, फिजिक्स के अंदर जिसकी मेजरमेंट की जाती है वो हर चीज क्वांटिटी है। तो अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं इसके बारे में आओ डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज के लिए मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज को अच्छे से पूरे चैप्टर में इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ओके? तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, वो क्वांटिटीज, उससे भी पहले आप एक बात समझ लो, अब अगर मैं कहूं 5 तो इसे क्या समझ में आता है आपको, ठीक है, 5 से कुछ समझ नहीं आता कि वो 5 किलो है, 5 मिनट्स है, 5 मीटर है, क्या है 5, ठीक है, 5 लीटर है, तो नहीं समझ आता ना, जब तक उसके साथ उसके मैं यूनिट्स ना जोड़ूं, ठीक है। और जब चीज के साथ यूनिट जोड़ दिया जाता है ना, तो उसको फिर कुछ और नहीं कहा जा सकता, जैसे 5 मिनट कह दिया वो 5 किलो नहीं ना हो सकता, वो एक अलग चीज बन जाती है, ठीक है। तो एक चीज को एक ही नाम दिया जाता है। अब देखो उसको एक हमने हद दे दी है, मतलब अगर मैंने कहा 5 किलो तो उसकी एक लिमिट आ गई, उसकी एक वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को या उस लिमिट को या उस हद को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। बात समझ आई है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी जिसको एक लिमिट दी जाए और उसको एक वैल्यू मिले, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो उसको डिफाइन कर सके, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। और यहां पे डायरेक्शन के रिलेटेड और डिस्टेंस के रिलेटेड मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे। अगर कहें 5 मीटर वो किसी का मैग्नीट्यूड होगा, 6 मीटर कहे तो वो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में, क्योंकि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो यहां पर डिस्टेंस, जहां जहां मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा आपका मतलब होना चाहिए डिस्टेंस, ओके। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितना लिमिट क्या है इसकी, ओके? तो वो होता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आप जानते हैं, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन तो किसी भी साइड हो सकती है, लेफ्ट से, क्योंकि देखो यहां अगर मैं एक वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने जा रहा हूं ना, तो आप ये मान के चल सकते हो कि सिर्फ एक वन डायमेंशन वाली चीज को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ वेक्टर को, वन डायमेंशन चीज है। तो वन डायमेंशन कोई भी चीज होती है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, हालांकि ये तो 3 डायमेंशन है, अगर ऐसे इसको लाइन वाइज देखा जाए तो या तो ये इधर होगा वेक्टर या इधर होगा वेक्टर, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन हो सकती है, ओके? तो यहां पे एक तो डायरेक्शन की बात होगी, एक हो गई मैग्नीट्यूड की। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, वैल्यू तो हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन ना पता हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायरेक्शन के बारे में कुछ हमें पता नहीं होता, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमें पता होता है, उसकी हमें वैल्यू पता होता, ठीक है। मैं कह दूं सिर्फ 5 मीटर, ठीक है, डायरेक्शन नहीं ना पता, अगर डायरेक्शन भी साथ में बताऊं वेक्टर बनेगा, बट अगर सिर्फ यह कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है, 5 किलो या वेट कह लो, मास कह लो, ठीक है ना, 5 किलो कहा, 1 किलो की डायरेक्शन किधर होती है नहीं पता, 5 मिनट्स की डायरेक्शन किधर है नहीं पता, मैंने 15 जोल का काम किया किस डायरेक्शन में नहीं पता। तो जब इन चीजों के डायरेक्शन का नहीं पता तो वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज की डायरेक्शन कहां हो सकती है, कोई खास डायरेक्शन है, वो कहीं भी मूव कर सकता है ना, कोई खास डायरेक्शन नहीं, इसलिए वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक आपको ये समझ आया होगा स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन पर्टिकुलर कुछ तो होती होगी बट इतना है कि डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होती, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में हम नहीं बता सकते, तो वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, वेक्टर नहीं, ओके। तो इसी के अपोजिट में देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, वर्क हो गया, ये सारा कुछ क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनके दोनों हो, उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, एक हद भी होती है, एक लिमिट भी होती है, एक वैल्यू भी होती है खास, और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होती है। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो ये इस किस्म की, जैसे फोर्स है, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगानी होती है जिधर मोशन होता है, हमें पता होता है मोशन जिस साइड हुआ फोर्स उधर ही लगी होगी, ठीक है, फोर्स जिस साइड लगाते हैं उसी साइड मोशन होता है, तब जाके वर्क होता है।
क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस समय डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगी फोर्स उसी डायरेक्शन में लगी हुई होगी, तो वो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है ना, तो वेलोसिटी भी मतलब आप एक स्पीड की तरह मान सकते हो जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो वो वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होती है वो भी, उसको भी हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके ऊपर एक वेक्टर का निशान लगे, और डिटेल में बताता हूं कि वेक्टर क्या होता है। देखो आपने एक लाइन ड्रॉ की है, उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, मैंने इस साइड डायरेक्शन दी आपने इस साइड दे दी, दोनों सही है, ठीक है। एक लाइन तो इधर भी बढ़ सकती है इधर भी बढ़ सकती है, और उसकी डायरेक्शन का हमें पता नहीं होता कि किधर से किधर है लाइन, ठीक है। जब इसकी डायरेक्शन का पता ही नहीं है तो हम सिंपली उसको लाइन का नाम देंगे, वो इधर देंगे डायरेक्शन, हम इधर भी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस एक ऐसी लाइन जिसकी डायरेक्शन दी जाए, जिसको डायरेक्शन दी जाए, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड मतलब इसको डायरेक्शन दी हुई है, वो दोनों डायरेक्शन में किसी भी साइड डायरेक्शन हो सकती है, ओके। अब यहां पर तो ऊपर वाली साइड डायरेक्शन, अपर वाली साइड, इसमें लोअर वाली साइड डायरेक्शन है, लेकिन अगर मैं उसी लाइन को लूं और बीच में कोई भी दो पॉइंट ले लूं जिसमें मुझे पता चले कि इसका इतना वैल्यू है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट इतने दूर है, तो हमें एक वैल्यू पता लग गई, वैल्यू पता लग गई तो मैग्नीट्यूड पता लग गया, ओके, तो मैग्नीट्यूड पता लग गया। अच्छा उसके अलावा मैंने कि डायरेक्टेड लाइन ली है, क्योंकि डायरेक्शन दी हुई है इसको, एक डायरेक्टेड लाइन है, डायरेक्टेड लाइन में डायरेक्शन भी है, वैल्यू की वजह से मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए ये क्या हो गई, एक वेक्टर, ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। उस वेक्टर को मैंने ए बी नाम दिया, या फिर ए बी के ऊपर वेक्टर लगाकर उसको बोलो कि दिस इज अ वेक्टर, या फिर इसको ए नाम दे दो, ए के ऊपर वेक्टर स्मॉल ए, उसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दो और बोलो कि ये वेक्टर है, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम एक लाइन को डायरेक्टेड लाइन बनाकर उसको एक लिमिट देकर और उसको एक वैल्यू देकर हम उसकी मैग्नीट्यूड भी बना देते हैं, उसकी डायरेक्शन तो ऑलरेडी डायरेक्टेड लाइन से है, ओके। तो ये दो चीजें आने पर जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास ये दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज आपको समझ में आ गया, तो यही मैंने सारा कुछ लिखा, ठीक है। तो अब देखो, अब एक वेक्टर जो है ना उसको हम ए बी से डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, बस ए के ऊपर एक वेक्टर डाल देना तो वो वेक्टर बन जाएगा, ओके। एक पॉइंट जहां से वो वेक्टर शुरू हो रहा है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जहां पे वो खत्म हो रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब भी होता है कि खत्म होना, तो जहां पे खत्म हुआ वो टर्मिनल पॉइंट, जहां से शुरू हुआ वो इनिशियल पॉइंट, तो ये एक वेक्टर में होता है। वेक्टर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट, वेक्टर का लास्ट वाला पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके वेक्टर्स के लिए कुछ टाइप है, ये देख लो, यहां शुरू हो रहा था इनिशियल पॉइंट, यहां खत्म हो रहा था तो टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इसकी कुछ टाइप्स हैं वेक्टर की टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो वेक्टर क्या होता है, देखो अगर एक पॉइंट, ठीक है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो मतलब जिसकी वैल्यू जीरो हो, मैं कहूं कि जीरो मीटर, जीरो मीटर क्या अपनी ही जगह पे होगा, ठीक है। अगर ए से कोई चीज शुरू हुई है, देखो अगर कोई चीज ए से शुरू हुई है, ए पर ही एंड हो रही है कोई चीज, मतलब कोई वेक्टर, ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट भी वहां पे, उसका टर्मिनल पॉइंट भी वहां पे, यही है, यहां से ही शुरू हुआ, यहां पे ही खत्म हो गया, कहीं चला ही नहीं, जीरो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो उस टाइम ये जो वेक्टर होगा ना, इसको हम जीरो वेक्टर का नाम देंगे, और इसको हम डिनोट करेंगे जीरो के ऊपर इस तरह से वेक्टर डाल के। अब समझ में आ गया, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको कोई डायरेक्शन भी कहा इसकी, ठीक है, डायरेक्शन हम कहीं भी दे सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा है जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और इसलिए तो जीरो वेक्टर नाम दिया इसका, ठीक है, ना डायरेक्शन के बारे में बोल सकते हैं और ना ही हम इसका कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, मैग्नीट्यूड फिलहाल जीरो है ना, जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म, तो वो चला ही नहीं, ठीक है, तो वो हो गया जीरो। व्हिच इज, देखो सबसे पहले यहां देखो कि जीरो वेक्टर कौन सा होता है, जीरो वेक्टर ये आ गया, अ वेक्टर हूज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, क्या मतलब होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट हो वही उसका टर्मिनल पॉइंट भी हो या फाइनल पॉइंट भी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो तो उसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है ना, जीरो वेक्टर इज नॉट बाय दिस, ओके। इट कैन बी असाइंड इन डायरेक्शन बिकॉज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं हम बता सकते क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही कितना है, जीरो है, इसकी वैल्यू ही जीरो है, तो क्या मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं, ओके। सेकंड देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट का मतलब ही होता है वन, यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यानी कि वन यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड हो, वन यूनिट को वन सेंटीमीटर कह सकते हैं, वन यूनिट को वन मीटर कह सकते हैं, वन किलोमीटर कुछ भी कह लो, वो यूनिट है, वन में जिसका यूनिटी मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, ये इस तरह से उसको हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर कैप डाल के, ओके, और वो इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर,
ओके, तो ये होता है यूनिट वेक्टर। अब को इनिशियल, को होता है सेम, इनिशियल हो गया इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट जिन वेक्टर्स का सेम सेम हो। चाहे ये देखो यहां पे ये कोई वेक्टर है, इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये है, ये वेक्टर है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो जिसका जिन तीन वेक्टर्स का स्टार्टिंग वाला पॉइंट सेम हो, यानी इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसको को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। यहां पर देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों जो है ना वो को इनिशियल वेक्टर से, क्योंकि तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। अब को इनिशियल के बाद को लिनियर, लिनियर लाइन से बना, तो जो सेम लाइन के पैरेलल में जितने भी वेक्टर्स होते हैं, सेम लाइन के कोई एक लाइन ड्रा करो इस तरह से, उसके पैरेलल में जितने भी वेक्टर्स लोगे वो सारे क्या होंगे, को लिनियर वेक्टर, क्योंकि सेम लाइन के पैरेलल में ये हम ड्रा कर रहे हैं वेक्टर्स। तो एक गिवन लाइन के पैरेलल में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, को लिनियर वेक्टर्स। तो ये हमने यहां पर बता दिया आपको, दो या दो से ज्यादा वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर कॉल्ड द को लिनियर वेक्टर, वो को लिनियर वेक्टर होते हैं, को इनिशियल और को लिनियर, कंफ्यूज नहीं होना है, को इनिशियल जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, को लिनियर जो सेम लाइन के पैरेलल में हो। ओके, अब यहां पे देखो लास्ट, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी एक तो डायरेक्शन तो सेम ही होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा नंबर उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, अच्छा उसके ना पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है वो कहां हो, वो नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या उसकी डायरेक्शन सेम है, यस डायरेक्शन सेम है, उसके अलावा क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम है, यस ये भी देखना हमने, ये दोनों चीजें जब हो गई तो दो वेक्टर जो अलग अलग होंगे उसको हम कहेंगे वो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो उसको हम इस तरह से या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो इससे पता चलेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर को इसका नाम देते हैं। एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, एक वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट वाली साइड, एक की राइट वाली साइड है, तो दूसरे को पहले के लिए या पहले को दूसरे के लिए हम नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर कहेंगे, मतलब अगर पहले की बात करो इट इज द नेगेटिव ऑफ द सेकंड वेक्टर, अगर सेकंड वाले की बात करो इट इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ किसका, पहले वाला वेक्टर, ए और बी है, ए इज द अपोजिट यानी ए इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, बी इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं, ये इक्वल के साथ मैंने आपको बता दिया। और इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं, देखो ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट वेक्टर बन गया, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट वेक्टर बन गया, ये इनिशियल ये फाइनल ये इनिशियल ये फाइनल, चार वेक्टर बना दिए मैंने। अब इस पूरी डेफिनेशन को एक सेकंड में समझाता हूं मैं आपको, देखो ये है वेक्टर, सुना को इनिशियल का मतलब जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, अब इसका और इसका दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, को इनिशियल वेक्टर, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। अब उसके बाद इस ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन यानी दोनों वेक्टर जो है इन दोनों की डायरेक्शन भी तो सेम है और ये इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिसकी डायरेक्शन भी सेम होती है, मैग्नीट्यूड भी सेम सेम होते हैं, तो इसका मतलब डी एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें सी और ए की डायरेक्शन इधर, सी की डायरेक्शन इधर, ए इज द नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर, सी इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, लेकिन आप इसको क्या कोलिनियर कह सकते हो, कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन के पैरेलल में, अरे मैं कोई ये लाइन ड्रा कर रहा हूं इसके पैरेलल में ये भी है और इसके पैरेलल में तो ये भी है, डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं इसने, कोलिनियर में डायरेक्शन के बारे में थोड़ी ही है, उसके बारे में सिर्फ इतना है कि एक सेम लाइन के पैरेलल में जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियर वेक्टर। तो ये सारे ये दोनों C और A कोलिनियर, D और B कोलिनियर, ये कोलिनियर वेक्टर हैं, लेकिन D और B कोलिनियर के साथ साथ इक्वल वेक्टर्स भी हैं। ये क्या है A और C, ये भी कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, और A और D के बारे में क्या कहते हो, सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू हो रहा है, इसीलिए A और D क्या है, को इनिशियल, सेम इनिशियल को इनिशियल पॉइंट, इसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ओके, तो आज था वेक्टर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, उसके साथ साथ वेक्टर की मैंने आपको टाइप्स बताई। ओके, कल के लेक्चर में इससे भी कुछ आगे बढ़ के हम करेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है आगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है, स्केलर के साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।